गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई राहुल मौर्या अगेन वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फार्मा एस्पायरेंट्स. इन द कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन सिक्वेंशियल मैनर, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन. इन प्रीवियस लेक्चर इन द सिक्वेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन सी. नाउ इन कंटिन्यूअस मैनर इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एनर्जी रिलीजिंग एंड हीमोपोएटिक. इन शॉर्ट ब्रीफिंग वी अगेन एक्सप्लेन दैट वी आर ऑलरेडी क्लासिफाई दैट दिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज आर ऑफ टू टाइप्स, लाइक एनर्जी रिलीजिंग एंड हीमेटोपोएटिक. So we are discussing, there are two kinds of vitamin, that is one is energy releasing and second one is hematopoietic. Hematopoietic. So in hematopoietic, we are already discussed that is vitamin B9 and विटामिन B12. और इन एनर्जी रिलीजिंग वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इज विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड विटामिन B7. ओके, तो दीज आर एनर्जी रिलीजिंग विटामिन एंड B9 एंड B12 आर हीमेटोपोएटिक विटामिन. ओके, तो सिक्वेंसली वी आर डिस्कसिंग ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो वॉट आर द कंटेंट्स विच वी विल कवर ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो ड्यूरिंग द स्टडी we divided this vitamin, water soluble vitamin, vitamin B complex, their components. So we are studying in different components. What are these components? Okay. तो कुछ particular heads बना ले रहे हैं जिनके अंदर हम यहाँ पे चीजों को पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट आर द हेड्स. सबसे पहले हम हर एक विटामिन के कुछ कॉमन नेम के बारे में समझेंगे, इनके कॉमन नेम क्या हैं. तो सबसे पहला हेड जो हमारे पास होगा दैट इज कॉमन नेम. सेकंड जो हमको देखना है वो हम यहां पर देखेंगे दैट इज केमिस्ट्री. हमको उसकी केमिस्ट्री क्या देखने के लिए मिल रही है. केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे दैट इज बायोलॉजिकल फंक्शन. बायोलॉजिकल फंक्शंस के बाद हम यहाँ पे कुछ देख लेंगे दैट इज डाइट्री सोर्सेस. एंड
नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम और डिसीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। That is chemistry, biological function, dietary sources, deficiency symptoms. Okay? तो सभी विटामिन्स के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज विटामिन बी वन। तो सबसे पहले हम विटामिन बी वन की बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी वन जो होता है इसका कॉमन नेम होता है दैट इज थायमिन। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग टू दिस दैट इज विटामिन बी वन, जिसमें आपको नाम क्या देखने को मिलेगा थायमिन। ये जो विटामिन बी वन है थायमिन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 mg per day। इतनी रिक्वायरमेंट होती है इसकी बॉडी में पर डे की रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बात कर लेता हूं। अगर मैं इन कंसर्न विद द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करूं, इसको हम यहाँ पे इस टाइप से लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं हम, दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर आपको पाइरिडिन रिंग देखने के लिए मिलेगी प्लस थायाजोल रिंग। तो यहां पर ये दो चीज देखने को मिलेगी, पाइरिडिन रिंग एंड थायाजोल रिंग। ठीक है, दैट इज पाइरिडिन, तो ये याद रखना है आपको। तो केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि आपको यहां पर पाइरिडिन रिंग और थायाजोल रिंग जो है उसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल फंक्शन की बात कर लेते हैं हम, तो बायोलॉजिकल फंक्शन इसको भी हम टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर देता हूं ताकि हम सिस्टमेटिकली चीजों को समझ पाए। ओके, इस डेफिशिएंसी सिम्टम को सिंपली हम डिसीजेस कर देते हैं। ओके,
And ओके, तो हमने सबसे पहली चीज देखी विटामिन B1, जिसका कॉमन नेम है थायमिन, और डाइटरी रिक्वायरमेंट में 1 to 1.5 mg पर डे का आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है, और जिसमें केमिस्ट्री है, इसमें जो रिंग प्रेजेंट है दैट इज पायरिमिडिन, सॉरी पायरिडिन इज, इट इज सिंपली वी कैन से इट इज अ पायरिमिडिन रिंग. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रिंग है दैट इज पायरिमिडिन रिंग. So we make it correct. That is simply it is a pyrimidine ring. तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा pyrimidine ring, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी जो इसके structure में present है, and second जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा that is simply thiazole ring. तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो थायमिन है दैट थायमिन इज विटामिन B1, थायमिन कंटेन अ पायरिमिडिन रिंग एंड अ थायाजोल रिंग. ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना है, और बहुत ज्यादा इसकी केमिस्ट्री में जाएंगे, बस अभी हमको रिंग की बात कर रहे थे, तो हमको याद रखना है कि इसमें पायरिमिडिन रिंग है एंड थायाजोल रिंग है. बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है, एक्ट एज अ कोएंजाइम. तो इट इज स्पेसिफिक कोएंजाइम जिसको हम कहते हैं दैट इज द दैट इज जिस जनरली आप देखोगे दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, तो याद रखना एक्ट एज अ कोएंजाइम कोएंजाइम की तरह काम करता है, और ये कोएंजाइम कौन सा है, TPP दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट. तो ये हमको याद रखना है दैट इज थायमिन पायरो थायमिन पायरोफॉस्फेट. ओके, चलो तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन के रिगार्डिंग में हमने देखा कि ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा, और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि ये कोएंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल, एंड सेकेंड इज ऑल्सो टेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, चलो तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. चलो ये दो चीज याद रखना है, एक्ट एज अ कोएंजाइम जो कि बेसिकली थायमिन पायरोफॉस्फेट है, और इंपॉर्टेंट रोल किसमें है इसका, दैट इज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइटरी रिसोर्सेस की. तो डाइटरी रिसोर्सेस में जनरली अगर आप देखोगे तो ये सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ईस्ट हो गए, इन सभी में आपको ये बहुत कॉमनली देखने के लिए डाइट रिसोर्स की अगर हम बात करें. ओके, लेकिन यहां पर डाइटरी सोर्सेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पॉलिश राइस होता है उसमें विटामिन सी नहीं होता है. तो जनरली जहां पर चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है और वो पॉलिश राइस होता है, दे वर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना कि जो पॉलिश राइस लॉस्ट विटामिन B1. ठीक है, इसमें विटामिन B1 नहीं होता, थायमिन नहीं होता. पॉलिश राइस में आपको विटामिन B1 की जो है वो डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि
जनरली उन लोगों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है कि जो मेन फूड सोर्स में आप देख रहे हो कि वो राइस यूज करते हैं, और जो राइस है दैट इज पॉलिश राइस, तो वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है कि देवर सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। यहाँ पर जो डिसीज की बात करते हैं, हम जो डिसीजेज हैं हमको पता है दैट डिसीज इज बेरी बेरी डिसीज, जो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है बेरी बेरी। दूसरा याद रखना बहुत कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो डिसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड थर्ड वन इज, ये आपको एग्जाम में ये नाम पता होना चाहिए कि डिसीज किससे रिलेटेड है, दैट इज वर्निक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम, वर्निक वर्निक दैट इज कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ओके, वर्निक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम, दिस इज नोन एज सेरिब्रल बेरीबेरी। तो ये सेरिब्रल के नाम से भी हो सकता है या इस पर्टिकुलर सिंड्रोम के नाम से भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो डिसीजेस हैं कौन कौन सी हैं। तो हम बेरी बेरी की बात करें दैट इज बेरी बेरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निक कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम दैट इज नोन एज सेरिब्रल बेरी बेरी। तो ये जो इनके डिसीजेस हैं, डिसीजेस के नेम भी आपको साइमल्टेनियसली याद करते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमको देखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमको यहाँ पर कवर करते हुए चलना है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो थायमिन है इसके एंटी एंटी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, राइट द नेम ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो याद रखना एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ थायमिन। एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ थायमिन, तो एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ थायमिन में अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पर दो इंपॉर्टेंट एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज पायरिथियामिन, पायरिथियामिन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीथियामिन, दीज आर एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे मेटाबोलाइट्स के रिगार्डिंग में पूछ रहा है तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट विटामिन B1। ओके, तो दैट इज समवॉट रिलेटेड विथ विटामिन B1। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड विथ विटामिन B2। B2 की बात करें तो दैट B2 इज सिंपली इट इज राइबोफ्लेविन। तो याद रखना विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और अगर हम डेली नीड की बात करें तो 1.2 to 1.7 मिलीग्राम पर डे
इतनी इसकी जनरल बेसिक नीड होती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहां पर हमको देखने को मिलता है 6,7-डायमिथाइल आइसो एलोक्साजीन प्लस डी रिबिटॉल रिंग। सभी का केमिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए हम सारे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी रिबिटॉल रिंग बस अगर आप याद रख पाओ तो भी सफिशिएंट है। ओके, तो विटामिन बी टू इज राइबोफ्लेविन। डेली नीड जो है इसका 1.2 to 1.7 mg पर डे है, और यहाँ पे आइसो एलेक्साजीन एंड डी रिबिटॉल रिंग जो है इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, फंक्शन इज कोएंजाइम की तरह काम करता है, एंड दिस कोएंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जनरली ये जो कोएंजाइम है, अगर हम इसकी बात करें राइबोफ्लेविन, जनरली यहाँ पे आपको FMN, दैट इज नोन एज फ्लेवोनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD, तो दीज आर द कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। इसको हम जनरली जिन भी एंजाइम में प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम हैविंग अ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोएंजाइम्स आर नोन एज, इस टाइप के जो एंजाइम है जिनके अंदर ये कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज फ्लेवोप्रोटीन्स। तो याद रखना, और अगर उसके अंदर मेटल है, फ्लेवोप्रोटीन अगर मेटल, दैट इज मेटलोफ्लेवोप्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम्स क्या है, मतलब दैट काइंड ऑफ एंजाइम विच हैविंग दिस फ्लेविन काइंड ऑफ कोएंजाइम्स, तो जिसमें भी ये फ्लेविन कोएंजाइम्स होगा उनको हम फ्लेवोप्रोटीन्स कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डाइटरी सोर्सेस क्या है। तो डाइटरी सोर्सेस में जनरली इट विल ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट एंड सम एनिमल ओरिजिन फूड लाइक अ मीट। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें तो यहां पर जो डिसीजेस हमको देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, दैट इज चिलोसिस एंड ग्लॉसिटिस एंड दैट इज डर्मेटाइटिस। ये कुछ डिसीजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए। चलो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम जो इससे रिलेटेड है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये कि जो राइबोफ्लेविन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोफ्लेविन इज हीट स्टेबल। ये हीट स्टेबल होता है लेकिन लाइट सेंसिटिव होता है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में यदि आप इसको रखोगे तो आप देखोगे कि ये अपनी प्रॉपर्टी में चेंजेस करेगा, ब्रेकडाउन होकर के कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा। तो हीट में तो स्टेबल है लेकिन लाइट में जो है ये कैसा होगा, सेंसिटिव होगा। सेकंड हम बात करते हैं कि इसका जो एंटी मेटाबोलाइट्स होता है, तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं अबाउट एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट ऑफ राइबोफ्लेविन दैट इज गैलेक्टोफ्लेविन, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, गैलेक्टोफ्लेविन, ठीक है। दिस इज एंटी मेटाबोलाइट। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से
यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एंटी मेटाबोलाइट ऑफ राइबोफ्लेविन इज गैलेक्टोफ्लेविन। और ऐसे मैंने बताया था कि याद रखना है ये लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव है मतलब जब कभी भी इसको लाइट दी जाएगी, जनरली यूवी लाइट दी जाएगी, तो ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फ्लोरोसेंट होंगे। जैसे राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन को यूवी लाइट देने पर ये ल्यूमीफ्लेविन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, लाइक दैट। राइबोफ्लेविन ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है ल्यूमी फ्लेविन। और ये जो ल्यूमी फ्लेविन है, दैट ल्यूमी फ्लेविन इज फ्लोरोसेंट कंपाउंड, और उसका कलर कैसा आता है, दैट इज येलो फ्लोरोसेंट। येलो फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, मान लो ये जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड है अगर मिल्क से ड्राइव होगा तो उसको आप लैक्टोफ्लेविन बोल दोगे, लीवर से होगा तो हेपेटो बोल दोगे, एग से होगा तो ओवोफ्लेविन बोल दोगे। मींस अगर आप इसी कंपाउंड के नाम देखोगे तो अलग अलग आते हैं, जैसे कि गैलेक्टोफ्लेविन, सॉरी लैक्टोफ्लेविन, गैलेक्टो नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम लैक्टो फ्लेविन। अगर ये कंपाउंड कहां पर बना है, ड्राइव फ्रॉम द मिल्क, और अगर ये लीवर से है तो क्या बोल देंगे हम, हिपेटो फ्लेविन, क्योंकि लीवर इज अ हिपेटिक ऑर्गन, तो क्या बोल दोगे आप, हिपेटो फ्लेविन। हिपेटो फ्लेविन इंस्टेंट फॉर लीवर। ऐसे ही अगर ये किसी एक योग से ड्राइव हो रहा है तो आप क्या बोल दोगे, ओवा ओवा फ्लेविन। ओवा फ्लेविन आप किस केस में बोलोगे, जब ये कहां से ड्राइव होकर के आ रहा है, दैट इज ड्राइव फ्रॉम एक योग। ओके, चलो। और ये सब चीजें अगर हम बात कर रहे हैं तो राइबोफ्लेविन का कन्वर्जन तब हो रहा है जब वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू विटामिन B2। तो सबसे पहले हमने B1 की बात की, नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट विटामिन B2, ठीक है। जैसे हमने यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, जैसे कि जो पॉलिश राइस है उसमें विटामिन B1 लॉस्ट हो जाएगा, एंड सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज विटामिन B3। तो विटामिन B3 की तरफ चलते हैं, सेम उसी कंसर्न में हम चीजों को समझते हैं जैसे अभी तक हम समझ रहे थे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज B3। B3 की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज नियासिन। इसके अलावा अगर हम बात करें B3 की, तो इसका दूसरा कॉमन नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, ये B3 का ही कॉमन नेम है। B3 को ही हम और क्या बोलते हैं, नियासिन, ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, या कई बार दिस B3 या नियासिन या निकोटिनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो इसका जो कॉमन नेम है, या तो आप इसको B3 बोल सकते हो, या आप इसको निकोटिनिक एसिड बोल सकते हो, या आप इसको कह सकते हो दैट इज
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा है विटामिन बी थ्री इज कॉल्ड नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर एंड ऑल, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी हम इसको इस नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम डेली इनटेक की बात कर लें तो जनरली 15 to 20 mg पर डे इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 15 से 20 मिलीग्राम पर डे इसका इनटेक का रिक्वायरमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी केमिस्ट्री क्या होगी। तो इसकी केमिस्ट्री को यदि हम समझें तो इसकी केमिस्ट्री में हमको यहां पर पाइरिडीन डेरिवेटिव देखने को मिलता है। इट विल ड्राइव फ्रॉम, अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, पाइरिडीन डेरिवेटिव, ओके, तो जो आपका विटामिन बी थ्री है नियासिन है, केमिस्ट्री वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पाइरिडीन डेरिवेटिव। फंक्शन की यदि हम बात करें तो इट आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम की तरह काम करता है और यहां पर जो कोएंजाइम है जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज एनएडी। एनएडी मतलब अगर हम बात करें दैट इज नोन एज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज कोएंजाइम। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये जो कोएंजाइम है दैट इज एनएडी, और जनरली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया कि इट एक्ट इज अ कोएंजाइम, और दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, मींस टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इट विल टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बेसिक इसके डाइटरी सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। डाइटरी सोर्सेस में जनरली आप देखोगे तो मोस्ट कॉमनली ये जितने भी आपके होल ग्रेन्स होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा, सीरियल्स जितने भी होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, पल्सेस में देखने के लिए मिलेगा, मिल्क में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दीज आर सम डाइटरी रिसोर्सेस जहां से आप इसको बड़े आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली डेफिशिएंसी से यहाँ पर जो डिसीज हमको देखने के लिए मिल रही है, डेफिशिएंसी डिसीज यहाँ पर कौन कौन सी है। तो इससे बहुत कॉमनली जो डिसीज है वो पेलेग्रा, जो कि सबसे पहला ही पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिसीज है डिजीजेस, तो अगर हम डिजीजेस की बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है
और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको B3 बोले, तो B3 से याद रखना कि यहाँ पर तीन डिजीजेस जो हैं वो इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये तीन डिजीजेस जो देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें पहला डी का मतलब है दैट इज डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। दूसरा डी जो है यहां पर दैट इज डिमेंशिया, एंड थर्ड डी इज दैट इज डायरिया, एंड फाइनली अगर ये परसिस्ट करता है बहुत लंबे टाइम तक तो इट विल लीड टू कॉज डेथ। ठीक है, तो याद रखना B3, ये जो B3 है दैट B3 एक्सटेंड फ्रॉम थ्री काइंड्स ऑफ डिसीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कौन कौन सी डिसीज हमको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना ये कई बार बोलता है डर्मेटाइटिस है ना, डिमेंशिया एंड डायरिया इज एसोसिएटेड विद विटामिन B3, तो किस विटामिन से रिलेटेड है ये, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना इस केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज 3 डीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो इनका डिसीज वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला विटामिन की बात कर लेते हैं हम, दैट इज विटामिन B5। B5 जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, B5 इज नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, तो B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। अब अगर मैं इसकी केमिस्ट्री की बात करूं कि बेसिकली ये केमिकली इसके स्ट्रक्चर में क्या है, उसके पहले हम यहाँ पे इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि जनरल इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिलीग्राम पर डे, 5 to 10 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर जनरली आपको पेंटोइक एसिड, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और देखने को मिलेगा दैट इज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, दैट इज बीटा एलानिन, पेंटोइक एसिड एंड बीटा एलानिन, ये केमिकल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फंक्शन की बात करें, पेंटोथेनिक आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम, रिक्वायर्ड फॉर कोएंजाइम, ये भी किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम। डाइटरी रिक्वायरमेंट की यदि हम बात कर लें तो इट विल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस लाइक एग, प्लांट सोर्सेस लाइक पोटेटोस, मशरूम एटसेट्रा। और डिसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली जो डिसीज देखने को मिलता है दिस इज बर्निंग फिट सिंड्रोम, तो ये याद रखना है बर्निंग फिट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट डिसीज इज बर्निंग फिट सिंड्रोम और द नेम ऑफ रिंग इज बीटा। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो B5 के लिए याद रखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज विटामिन B6। नेक्स्ट इज B6, दैट B6 इज पाइरिडॉक्सिन, दैट B6 इज पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन।
B6 पाइरेडॉक्सिन है, इसका अगर हम डेली इंटेक की बात करें तो रिक्वायरमेंट इज 2 to 2.2 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये जनरली आपसे डेली इंटेक नहीं पूछता, लेकिन ठीक है, एक बार आप पढ़ रहे हैं तो चीजों से कोरिलेट करते हुए हम चीजों को पढ़ते चल रहे हैं। तो विटामिन B6 पाइरेडॉक्सिन बोलेंगे। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इट इज ऑल्सो अ पायरिडिन डेरिवेटिव, पायरिडिन डेरिवेटिव। ओके, तो दैट इज पायरिडिन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो यू मस्ट नो अबाउट द केमिस्ट्री दैट विटामिन B6 कंसिस्ट ऑफ पायरिडिन डेरिवेटिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स। तो इट इज हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल, तो मोस्ट ऑफ द विटामिन बी इज हैविंग सिग्निफिकेंट रोल इन कोएंजाइम्स। लेट अस मूव टूवर्ड द डाइटरी सोर्सेस, जो कि जनरली कुछ प्लांट एनिमल दोनों सोर्सेस से ही मिलेगा। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम एग योक एंड सम, इट इज मोस्ट वाइडली प्रेजेंट इन फिश, ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम मिल्क एंड प्लांट फूड मटेरियल लाइक अ वीट। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजिकल, टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो इट विल रिलेटेड विद सम ऑफ द न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो याद रखना, इट विज ग्रेटली एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सम रिलेटेड डिसीज रिलेटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इट विल ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इफ सफरिंग पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम डेफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, दिस विल लीड टू द कॉज इन द रिडक्शन ऑफ हीम प्रोडक्शन। तो इट विल अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल इन इन द सम एक्टिविटी ऑफ द ब्लड कंपोनेंट एंड सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द पायरेडॉक्सिन। बिकॉज वन ड्रग विच आर मोस्ट कॉमनली यूज इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आइसोनियाजिड। दिस आइसोनियाजिड एक्ट एज अ एंटी विटामिन फॉर B6। ये इसके जस्ट है ना अपोजिट काम करता है, पायरेडॉक्सिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करता है। तो यू मस्ट नो अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आइसोनियाजिड इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोनियाजिड इज एंटी विटामिन ऑफ B6, एंटी विटामिन ऑफ विटामिन B6। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी मेक इट कलर चेंज सो यू मे अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नाउ अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन B6 एंड मेक इट वन स्टाम्प बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। Okay, so for B6, the very important point is isoniazid is an anti-vitamin of vitamin B6, which just uske activity ko oppose kar raha, uske against mein kaam kar raha. Okay, move toward the next vitamin, that is vitamin B7. Move toward the vitamin B7, that B7 is known as biotin. Okay, the name of B7 is biotin and it is also known as vitamin H and it is also named as anti egg white injury factor, anti egg white injury फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है रिलेटेड विद विटामिन B7।
ठीक है। तो विटामिन B7 को आप बायोटिन भी बोलते हैं, वाइट विटामिन एच भी बोलते हैं, एंड एन एंटी एक वाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री इट इज कंसिस्ट ऑफ इमिडाजोल प्लस थायोपिन रिंग, इमिडाजोल एंड थायोपिन रिंग। तो यहां पे आपको इसके केमिकल स्ट्रक्चर में दो चीज देखने को मिल रही है, दैट इज इमिडाजोल रिंग एंड थायोपिन रिंग। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द सम बायोलॉजिकल फंक्शन। तो इट एक्ट एज अ कैरियर फॉर CO2 इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यू मस्ट नो इट इज एक्ट एज अ कैरियर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जब कभी भी बायोमोलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो दैट विटामिन B7 और विटामिन एच और बायोटिन और एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर एक्ट एज अ CO2 कैरियर। इट विल मोस्ट ऑब्टेन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट एरिजिन फूड, एनिमल एंड जस्ट कॉमनली आई राइट दैट प्लांट ओरिजिन फूड। ठीक है, लगभग एनिमल प्लांट सभी से ऑप्टन होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द डिसीज रिलेटेड पॉइंट्स। तो जनरली वी हैव सीन प्रॉब्लम रिलेटेड विथ नोजिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, अगेन वी विल मूव सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस बायोटिन, दैट इज कंपाउंड दैट इज एविडिन इज अ एंटी विटामिन ऑफ विटामिन B7, विटामिन B7 ऑब्लिक बायोटिन ऑब्लिक विटामिन एच, और यू कैन से एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर दिस वन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जिस केस में एंटी विटामिन है वो आपको याद रखना, दिस एंटी विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आइसोनियाजिड इज एंटी विटामिन फॉर विटामिन B6, लाइक एविडिन, दैट एविडिन इज एंटी विटामिन फॉर विटामिन B7, बायोटिन और विटामिन एच। ओके, तो दीज आर सम वॉट रिलेटेड विथ विटामिन B7। ओके, तो इन दिस कंसर्न वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने हाईलाइट भी किया, उसको आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट वी आर मूव टूवर्ड्स सम अदर विटामिन। दीज ऑल आर द विटामिन आर रिलेटेड विद एनर्जी रिलीजिंग फिनोमेना। अभी तक हमने जितने भी पढ़े दीज आर एनर्जी रिलीजिंग, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वो द एनर्जी रिलीजिंग एंड हीमेटोपॉयटिक। दीज आर द एनर्जी रिलीजिंग एंड नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द हीमेटोपॉयटिक। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट सम हिमेटोपोइटिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास बेसिकली दो विटामिन है, दैट इज B9 एंड B12। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट हिमेटोपोइटिक विटामिन, दैट इज B9 एंड B12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन B9। ओके, दैट विटामिन B9 द कॉमनली नोन इज फोलिक एसिड। अगर हम इसके बेसिक जनरल रिक्वायरमेंट की बात करें तो अप्रोक्स
200 माइक्रोग्राम पर डे, ये इसमें जनरल इसकी बेसिक आपको रिक्वायरमेंट बॉडी में देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको टेरिडिन रिंग देखने के लिए मिलेगी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पाबा दैट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड देखने के लिए मिलेगा, एंड साथ में आपको यू हैव सीन ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टेरिडिन रिंग, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स द सम बायोलॉजिकल फंक्शन। तो व्हाट इज इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, तो बायोलॉजिकल फंक्शन में हम बेसिकली यहां पर बात कर लेते हैं। इट विल इन्वॉल्व इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वॉल्व इन वन कार्बन दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड, बट इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज वन कार्बन मेटाबॉलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिलेटेड विद द फॉलिक एसिड, इट विल इन्वॉल्व इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। इसी केमिस्ट्री में एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट इज दैट फॉलिक एसिड इट इज ऑल्सो एक्टिव फॉर्म, लेकिन इसका एक और एक्टिव फॉर्म होता है दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो एक्टिव फॉर्म THF दैट इज टेट्रा हाइड्रोफोलेट, इट इज एक्टिव फॉर्म, ऑल्सो एक्टिव फॉर्म। यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज एक्टिव फॉर्म। तो अगर आपसे पूछे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी नहीं, तो फोलिक एंड TH बोथ आर एक्टिव फॉर्म इन्वॉल्व इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म। डाइटरी सोर्सेस की अगर हम बात कर लें तो जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिलेगा, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और डिजीजेस की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यहां से कई बार एग्जाम में पूछता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। एबनॉर्मल लार्ज आरबीसी यहां पे देखने को मिलती है, इसका मतलब भी यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दैट इज एबनॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी। तो यहां पर हमने देखा कि हमको एबनॉर्मल साइज में आरबीसी देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको B12 में डिफरेंट काइंड ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है, दैट मैक्रोसाइटिक एनीमिया जहां पे आरबीसी के आपको साइज में चेंजेस देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको हेडिंग में कवर कर देते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ दैट इज कॉमन नेम, इट इज कॉमन नेम ऑफ। फिर यहाँ पे सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम केमिस्ट्री, तो ये सम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, एंड दिस थर्ड वन इज रिलेटेड विद सम व्हाट देयर फंक्शन, एंड नेक्स्ट इज देयर डाइट सोर्सेस, this one is related with deficiency diseases. So these are some particulate headings in which we cover these important points, in which very very important point jo aapko hamesha yaad rakhna hai jahan se questions aa rahe hain, that is disease point, that is macrocytic anemia. So vitamin B9 ki deficiency se jo humko dekhne ko mila, that is macrocytic anemia, and sometime it may ask from the question from the ring, it having a pteridine ring and one carbon metabolism. Okay, move toward the next vitamin, that is vitamin B12. That vitamin B12 is
कोबोलामीन ओके बिकॉज इट हैविंग कोबाल्ट इन विच दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोबोलामीन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबोलामीन्स मिथाइल कोबोलामीन्स दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ओके इसका एक कॉमन नेम है जो मोस्ट कॉमनली इसको कॉमन नेम के उससे भी जाना जाता है दैट इज नोन एज एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व इज ऑल्सो नेम्ड बाय एज अ एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन एंड इफ यू टॉक अबाउट अ जनरल रिक्वायरमेंट इज इट इज अप्रोक्स 3 माइक्रोग्राम अप्रोक्स 3 माइक्रोग्राम पर डे इट इज अ जनरल रिक्वायरमेंट ओके नेक्स्ट वी टॉक अबाउट देयर केमिस्ट्री तो इट विल कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग It consists corin ring and along with it having a cobalt atom, corin ring and cobalt atom. Okay, it consists of 2 ring, corin and cobalt, along with cobalt atom. That's why it is known as cobalamin. Important function, if we discuss about it, act as a coenzyme. Important function in coenzyme. So generally the name is on the basis of their organizational structure it is also known as methyl cobalamin it is all active form of their coenzyme also known as 5-deoxy adenosyl cobalamin these all their active form Cyanocobalamins, methylcobalamin, 5-deoxyadenosylcobalamin. These are the important. And if we talk about some dietary sources, it will obtained from food of animal origins, obtained from food of animal origin. Also found in some animal-based food product milk and found in curds if you talk about disease it is very very important it will associated with that is pernicious anemia in vitamin b9 if you talk about disease that is a macrocytic anemia but in case if you talk about vitamin b12 it is a pernicious anemia ओके तो दिस इज इंपॉर्टेंट परनीसियस एनीमिया तो यहां पे याद रखना है विटामिन B9 में दैट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड इन विटामिन B12 दैट इज परनीसियस एनीमिया एंड यू आल्सो नो अबाउट रिंग सिस्टम दैट इज हैविंग अ कोरिन रिंग सिस्टम तो दीज आर हिमेटोपोएटिक विटामिन्स व्हिच आर रिलेटेड विद द ब्लड कंपोनेंट तो जब कभी भी हम ब्लड से रिलेटेड बात करेंगे तो वहां पर हमारे लिए B9 एंड B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके यहाँ पर कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो ओवरऑल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है जैसे कि हम एंटीऑक्सीडेंट वर्ड की जो बात कर रहे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये आपको बार बार देखने को मिल रहा है तो बहुत सारे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं तो याद रखना कौन कौन से विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकते हैं दैट इज विटामिन ई also act as a antioxidant and vitamin C act as an antioxidant and beta carotene is simply provitamin of vitamin A ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हमको यहाँ पर याद रखना है
दैट इज दीज थ्री विटामिन आर एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई, विटामिन सी, प्रो विटामिन, दैट इज विटामिन, प्रो विटामिन ऑफ विटामिन, दैट इज विटामिन ए, तो दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। तो आंसर ऑल ऑफ दिस चला जाएगा इस केस में। अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से हैं विच शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो दीज ऑल शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द विटामिन्स। तो वी आर डिस्कसिंग इन इन द सीरीज ऑफ विटामिन्स, सम आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, सम आर फैट सॉल्युबल विटामिन। इन फैट सॉल्युबल विटामिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन सी and vitamin B complex, and vitamin B complex we are discussing about energy releasing vitamin, and some are the we are discussing here, that is hematopoietic vitamins. So these are the important points jo exam point of view se aapke liye bahut important hai, aapko is concise way mein sare important points ko aapko cover kar lena hai. I hope ki you can easily learn and understand all these points, and hopefully if the question will ask in examination you will easily attempt. Okay, so good luck for your examinations, and we will meet very soon with another topic which are important for your examinations. For study material and online support, I already given my contact number in first slide, so you will directly contact me and you will purchase some study material and some online platform series mostly help you lot in your examination, what kind of examination you are preparing. So there are various kind of study material with their respective exams. So please contact us if you are preparing any kind of exam, and wish you all the very best. We will meet very soon, and with this thank you very much.